फेस कैम तो बहुत, आई मीन वेब कैम्स तो बहुत कॉस्टली हो गए आजकल, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा फोन है जो आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको आप इजीली कैम की तरह यूज कर सकते हो। तो ये मेरा कैम है, तो ये ओपन हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं जब हम स्ट्रीम कर रहे होते। हाय गाइस, दिस इज समीरा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को, आपके पास जो भी फोन है, iOS है या फिर एंड्रॉयड है, जो भी फोन है उसको आप फेस कैम की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो थोड़े सिंपल स्टेप्स फॉलो करने से आप अपने फोन को फेस कैम की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो अभी मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन डिस्प्ले करा रही हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऐप स्टोर पे क्लिक करूंगी। तो ऐप स्टोर पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है कि ड्रॉइड कैम वायरलेस वेब कैम है, तो आप ये प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में भी ये ऐप आपको अवेलेबल है। तो अभी के लिए ये हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है ये? हाँ जी, डाउनलोड तो हो गया। तो अभी इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर गॉट इट। तो अभी आपको यहाँ पे एक परमिशन मांग रहे हैं कि ड्रॉइड कैम वुड लाइक टू एक्सेस द कैमरा, यानी कि वो आपके फोन के कैमरा का परमिशन मांग रहा है कि कैमरा ये ओपन करना चाहिए कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगी, क्योंकि यही मैं कैम की तरह यूज कर रही हूँ तो इसीलिए मैं ओके क्लिक करूंगी। तो ये एक और परमिशन मांग रहा है कि ड्रॉइड कैम वुड लाइक टू एक्सेस द माइक्रोफोन। तो अगर आप चाहते हो कि फोन से ही आप माइक्रोफोन एक्सेस करो तो आप ये ओके कर सकते हो। अगर आपको फोन में माइक्रोफोन एक्सेस नहीं करना है तो डोंट अलाउ कर सकते हो। तो अभी मैं नहीं यूज करूंगी माइक्रोफोन को, क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन अलग वाला है तो मैं वो वाला यूज करूंगी, तो इसीलिए मैं अभी डोंट अलाउ क्लिक कर रही हूँ। तो अभी आपके फोन में ये एप्लीकेशन तैयार है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रोम में जाके, गूगल क्रोम में आपको ड्रॉइड कैम ये वाला सर्च करना है, ड्रॉइड कैम। तो सर्च करने पे जो आपको पहला लिंक मिलेगा DEV47 एप्स वाला, तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने पे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि डाउनलोड विंडोज क्लाइंट है, एंड अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप ये वाला लिंक क्लिक कर सकते हो। लाइनक्स यूज कर रहे हो तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम विंडोज यूजर हैं तो हम ये वाला क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने पर एक और पेज ओपन हो जाएगा जहां पे इसका डाउनलोड लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। तो डाउनलोड लिंक पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ये आपको डाउनलोड यहाँ हो गया। तो जैसे ये डाउनलोड हो गया तो हमको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल सिंपल स्टेप जो फॉलो होते हैं वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल तो हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट मिल जाएगा आपको, डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट मिल जाएगा, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जो कि ड्रॉइड कैम वाला प्रॉम्प्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगी, फिर से आपको अपना फोन वाला स्क्रीन दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो फोन वाला स्क्रीन ये है एंड ड्रॉइड कैम वाला प्रॉम्प्ट ये है। तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा फोन और हमारा कंप्यूटर, या जो भी आप पीसी या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो, तो ये दोनों सेम नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहिए, मतलब सेम वाईफाई यूज होने चाहिए दोनों डिवाइसेस में, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो सेम डिवाइस ऑलरेडी हम सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हैं। देखिए ये पोर्ट आईपी यहाँ पर 192.168.1.11, तो ये दो मैच कर रहे हैं, एंड ड्रॉइड कैम पोर्ट ये भी मैच कर रहा है, तो ये ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो चेकबॉक्स दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो वाला है, अगर आप देख सकते हो तो फर्स्ट वाला वीडियो वाला है, एंड सेकेंड वाला ऑडियो वाला है। तो अगर आपको ऑडियो भी चाहिए, मतलब माइक्रोफोन भी एक्सेस करना है डिवाइस का, तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर देना। तो अभी मैं नहीं यूज करी इसलिए मैंने चेक नहीं किया। तो अभी खत्म। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इसको स्टार्ट करूंगी। सो स्टार्ट पे क्लिक करूंगी। तो स्टार्ट पे क्लिक करने पे क्या होगा, जो मेरा कैम है वो ओपन हो गया। तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। तो देखिए, तो ये मेरा कैम है, तो ये ओपन हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं जब हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं। अगर स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम ये कैमरा को ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब स्ट्रीमिंग के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप स्क्रीन पे देखिए जरा। तो मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, मिनिमाइज कर दिया। अभी मैं अपना स्ट्रीम लैब्स ओपन करूंगी। तो स्ट्रीम लैब्स में हम क्या करते हैं, जनरली वीडियो कैप्चर डिवाइस यूज करते हैं। तो
तो मैं तो वीडियो कैप्चर डिवाइस यूज करती हूँ मैं वीडियो फेस कैम के लिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड सोर्स, तो यहाँ पे आ गया मेरा फेस कैम। तो आप देख सकते हो यहाँ है फेस कैम मेरा। तो आप ये ऐसे सेट कर सकते हो आपको जैसे चाहिए। आप अपने फोन को एक ट्राईपॉड में लगा सकते हैं, तो ट्राईपॉड में जैसे लगाएंगे आप कहीं भी एक स्पॉट पे फिक्स कर देना अपने फोन को, ताकि वो अपने स्ट्रीमिंग में आपको परफेक्टली वो मिल जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस लगा रखा है। तो इसमें बहुत सारे फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो तो क्रोमा की होता है, और बाकी बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। तो ये सब यूज करके आप को मतलब अपने स्ट्रीम कर सकते हो। तो मैं आगे वाले वीडियो में और भी आपको इसके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपके स्ट्रीम लैब्स में सेटिंग्स जो होती है उसके बारे में, फिल्टर्स जो होते हैं उसके बारे में, और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सिंपल है। फेस कैम तो बहुत वेब कैम्स तो बहुत कॉस्टली हो गए आजकल। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा फोन है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको आप इजिली कैम की तरह यूज कर सकते हो। तो यही है, तो प्लीज शेयर करिएगा। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू, बाय। एंड हाँ गाइस, एक और चीज बतानी थी आपसे। तो मैंने थोड़े वीडियोस बनाए हैं जो कि सॉफ्टवेयर एजुकेशन के बारे में हैं, जॉब्स के बारे में हैं, लेकिन मैंने वो वीडियोस तेलुगु में बनाई है। तो अगर आपको वो वीडियोस हिंदी में चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट्स में बोल देना। एंड जो मैंने वीडियो तेलुगु में बनाई है जॉब्स एंड सॉफ्टवेयर एजुकेशन के बारे में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड ऑल्सो एक और चीज बोलनी थी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है ये वो। तो मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि एट प्रेजेंट मतलब अभी जो सिचुएशन में आपको 5 लाख जॉब्स, मतलब 5 लाख जॉब जो भी हम इंडस्ट्री में सर्च कर रहे हैं, या जो भी 5 लाख जॉब्स मतलब हमने सर्च करके दिखाया है। तो अगर आपको ये इस तरह के वीडियोस आपको हिंदी में चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं हिंदी में भी बना सकूं। और प्लीज शेयर करो, शेयर करने से मुझे पता चलेगा कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं, एंड मेरे को भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिल जाएगा। और गाइस, चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड प्लीज शेयर करना ना भूलो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।